Hello everyone, my name is Avnas and I'm intern of Aera Group of Organization. So I hope you have watched my earlier video. In this video we will discuss about the second chapter of class 8 of NCERT. Chapter will be the first, but my topic is second. The name of the chapter is Crop Production and Management. In this chapter we will discuss about, there will be the 5 parts, or you can say 5 videos I will send. In first part we will discuss about the agriculture practices and basic practices of crop production. In second part we will discuss about the preparation of the soil. In third part we will discuss about the agriculture implements, and in fourth part we will discuss about essential nutrients for the soil. And the last part we will discuss about the method of the soil, how soil is being prepared. Okay, so let's begin our first topic, first part. That is agriculture practices. As we all know, plants make their food themselves while animal depends on other for their foods. Animal, especially human beings, cannot make their own food. We can get our food from plants or animal or both. कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, जिसको प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, और जो एनिमल होते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग हो गए, वो जो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं खाना बनाने के लिए, जैसे कि खाना खाने के लिए, नॉट खाना बनाने, जैसे प्लांट्स क्रॉप्स हो गए या कुछ फिशिंग हो गया, मतलब ओशियन एक्वेटिक एनिमल एक्वेटिक होंगे, वो सब प्लांट उनके थ्रू हम लोग हेल्प लेते हैं खाना बनाने में. The food that we take is utilized by the organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. जो हम खाना लेते हैं, चाहे वो plants हो, animal हो, human being हो या कोई भी हो, जितने भी living organism, वो various खाना से हमें बहुत सारे various functions करने होते body के, such as digestion, खाना पचाने में, respiration हमें सांस लेने के लिए भी, हमें जब तक हिम्मत नहीं होगी body में, ताकत नहीं है, energy नहीं होगी, तो हम कैसे खाना फिर कैसे हो पाए, possible नहीं है. एक्सक्रीशन जो भी मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, मतलब वेस्ट मटेरियल है, वो होता है. तो इसके लिए हमारे लिए बॉडी में फूड होना बहुत जरूरी है, तो बिना फूड के हम लोग कुछ भी पॉसिबल नहीं है. सो सबसे पहले एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैसे शुरुआत हुई थी. तो टिल 10,000 BCE पीपल वेयर नोमैडिक, दे वेयर वांडरिंग इन ग्रुप्स प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड्स एंड शेल्टर. 10,000 BCE पहले क्या होता था, जो पीपल जो थे वो नोमैडिक थे, वो मतलब इधर उधर जाते थे, क्यों, खाना को सर्च करने के लिए, फूड को सर्च करने के लिए, क्योंकि फूड जो वो इजिली अवेलेबल नहीं होती थी, काफ़ी दूर तक किलोमीटर तक चलना पड़ता था, और उनको क्योंकि सर्च करने थे फूड के लिए. दे एट रॉ मटेरियल, रॉ फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड. ये पहले क्या करते थे, वो कच्चा फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को खाते थे बिना पकाए हुए, ठीक है, उसकी, या फिर कई बार तो डायरेक्ट जानवर को ही मार करके वो खा जाते थे. लेकिन धीरे धीरे मतलब समय बीतता गया, टाइम बीतती गई, तो फिर क्या हुआ, जो ह्यूमन बींग है वो कल्टीवेट करने लगे, लैंड को खेती करने लगे, प्रोड्यूस करने लगे, राइस हो गया, वीट हो गया, अदर क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स जो है उसकी खेती करने लगे, फार्मिंग करने लगे. दिस वॉज बॉर्न एन एग्रीकल्चर, और इसी की शुरुआत, यही शुरुआत हुई थी किसकी, एग्रीकल्चर की. तो एग्रीकल्चर पहले डायरेक्ट नहीं आया था, बहुत सारे प्रोसेस हुए थे, बहुत सारे स्टेप्स के द्वारा गुजरे थे, तब जाके एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था. व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड्स आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड अ क्रॉप. अब क्रॉप किसको कहते हैं, जहाँ पे एक जगह कोई फील्ड हो, ठीक है, और वहाँ पे सेम काइंड ऑफ प्लांट, जैसे कि मान लो कि कोई बहुत बड़ी सी फील्ड है, वहाँ पे सिर्फ हम वीट को रोप रहे हैं, तो उसको बोलते हैं क्रॉप. कि मतलब एक ही काइंड की जो प्लांट्स है वो एक अच्छे खासे एरिया में रोपते हैं या फर्टिलाइज, मतलब कि फार्मिंग करते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रॉप. फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ वीट मीन्स डेट ऑल प्लांट्स ग्रोन इन फील्ड डेट आर वीट. मतलब कि वीट का जो प्लांट होगा वैसा, वहाँ पे ये नहीं कि तुमने राइस भी रोप दिया हो या फिर कुछ और मतलब कि फार्मिंग कर दिया, ऐसा नहीं होता. जहाँ पे वीट के प्लांट, मतलब वीट जहाँ पे खेती हो गई होगी, गेहूं की जहाँ पे खेती हुई होगी, वहाँ पे सिर्फ गेहूं की खेती हुआ होगा, ठीक है. इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम द वन रीजन टू अनदर रीजन. इंडिया जो है एक वास्ट कंट्री है, जहाँ पे टेम्परेचर जो है, जैसे साउथ में ज़्यादा गर्मी होती है, हिल एरियाज जो जैसे नॉर्थ हो गया, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, नॉर्थ ईस्ट में मतलब वाटर टेम्परेचर होता है. अगर आप मुंबई एरिया में चले जाओ तो वहाँ पे बारिश बहुत होती है, साउथ में कर्नाटका में बारिश, तो हर जगह टेम्परेचर वैरी करता है, और उस हिसाब से क्रॉप भी वैरी होते हैं. ऐसा नहीं कि जो तुम आम का खेती यहाँ पे कर रहे हो तो वही तुम साउथ में भी मिल जाएगा, या फिर एप्पल अगर तुम अगर नॉर्थ में हो रहा है तो वही एप्पल तुम्हें साउथ में भी मिलेगा, ऐसा नहीं होता. एक प्रॉपर जहाँ पे जिसका क्रॉप का जैसा टेम्परेचर होता है उसी हिसाब से वो क्रॉप वहाँ पे मतलब कि ग्रो करती है, ठीक है. अकॉर्डिंगली देयर आर रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. डिस्पाइट ऑफ दिस डाइवर्सिटी ट्रू वॉट्स क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड. देखो जैसे मतलब कि मैं अभी क्या बोला था कि हर जगह अलग अलग मतलब टाइप्स की क्रॉप्स रोपी जाती है, मतलब फार्मिंग की जाती है, तो इस दो तरीके का पैटर्न हमने देखा इस एनसीईआरटी में दिया हुआ है. पहला है खरीफ क्रॉप और दूसरा है रबी क्रॉप्स. तो खरीफ क्रॉप्स क्या होती है, द क्रॉप्स विच आर सोन इन अ रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स.
वैसा क्रॉप्स जो कि रेनी सीजन में जिसकी खेती होती है उसको बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। जैसे कि द रेनी सीजन इन इंडिया जनरली फ्रॉम द जून टू सेप्टेम्बर, और रेनी सीजन कब स्टार्ट होता है इंडिया में, जून टू सेप्टेम्बर। मतलब कि ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब कि इससे यहाँ कहीं पे जून में आता है, कहीं अगस्त में आता है, कहीं पे जुलाई में आता है, तो हर जगह रेनी सीजन वैरी करता है। बट एक टाइम मतलब कि मंथ फिक्स किया हुआ है कि हाँ जून टू सेप्टेम्बर के बीच में रेनी सीजन होता है। वैसे तब तो वो टेम्परेचर हम लोग एटमोसफेयर के साथ इतना छेड़छाड़ कर रहे हैं, जब तो कभी भी बारिश हो जाती है तो उसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ हम हैं। ओके, तो एग्जांपल क्या दिया है खरीफ क्रॉप्स का, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। एक बॉक्स में एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है, जो पैडी क्रॉप्स होते हैं उनको उनको मतलब ग्रो करने के लिए बहुत सारी वाटर की जरूरत होती है, तो इसीलिए जो खरीफ क्रॉप जो पैडी जो है वो खरीफ क्रॉप के अंडर कंसिडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये रेनी सीजन में ग्रोथ होता है। नेक्स्ट है हमारा रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च। मतलब वैसा क्रॉप्स जो कि विंटर सीजन में ग्रोथ होता है, जिसकी जैसे कि विंटर सीजन कब आता है हमारे, अक्टूबर टू मार्च, इसको बोलते हैं रबी क्रॉप। एग्जांपल क्या दिया रबी क्रॉप्स का, वीट हो गया, ग्राम हो गया, पी हो गया, मस्टर्ड हो गया, लाइनसीड हो गया। बिसाइड दिस पल्सेस वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग द समर सीजन एट मेनी प्लेसेस। अब ये तो मैंने गेहूं ये सब की बात की, लेकिन जो दाल हो गए या फिर कुछ वेजिटेबल्स हो गए वो समर सीजन में ज्यादा होते हैं। नाउ लास्ट टॉपिक जो हमारे इस वीडियो का है वो है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्या क्या बेसिक प्रैक्टिसेस की जाती है क्रॉप प्रोडक्शन को, क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने में। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय अ फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि कल्टीवेशन जो क्रॉप्स का वो अचानक शुरुआत नहीं हुई, बहुत साल तक मेहनत की गई, कई नई नई टेक्नोलॉजीज आई, नई नई तरीके अपनाए गए ताकि क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाए, और इसी को बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जैसे कि हम मेडिकल प्रैक्टिसेस होती है कि मतलब डॉक्टर होते हैं वो मतलब कि हर दिन कुछ ना कुछ मतलब हर दिन पेशेंट को देखते जाते हैं और एक्सपीरियंस होते जाते हैं, उसी तरीके से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है कि हर साल कुछ ना कुछ नया करते हैं और धीरे धीरे एग्रीकल्चर हमारा जो है वो इम्प्रूव होता है। और एग्रीकल्चर कैसे प्रैक्टिसेस होती है, तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कैसे सॉइल को प्रिपेयर किया जाएगा, जो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा आने वाले वीक में। फिर सोइंग होगी, फिर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, किस क्रॉप्स के लिए कितनी फर्टिलाइजर्स की जरूरत होती है, कितना ज्यादा देंगे, कहीं ज्यादा देंगे तो क्रॉप्स को हार्म ना हो, कम ना दे तो क्रॉप्स का ग्रोथ ना रुक जाए, तो एक फर्टिलाइजर जो है वो पर्टिकुलर मतलब कि मानना मतलब कि सही अमाउंट में देना चाहिए। फिर इरिगेशन, कैसे इरिगेशन की जाएगी, प्रोटेक्टिंग ऑफ वीड्स, वीड्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये सब हम किस में डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। फिर हार्वेस्टिंग और स्टोरेज, ये सब जो है वो बेसिक प्रैक्टिसेज है क्रॉप प्रोडक्शन की। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा, इन केस अगर कोई भी डाउट होती है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलना, और जो भी डाउट हो तो फ्रीली मतलब ऐसा कोई नहीं है कि मतलब कि प्रॉब्लम हेजिटेशन मत करना, इजिली आस्क करना। चलो मेरा वीडियो ये भी खत्म होता है, खुश रहो, औरों को खुश रखो, औरतों की इज्जत करो और कंट्रीब्यूट करो सोसाइटी के लिए। जय हिंद, थैंक यू।